अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रीजर ऑफ नॉलेज थर्ड एडिशन में हमने जो इंग्लिश क्लास फिफ्थ के एमसीक्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है, हमारे साथ आज यूनिट नंबर 3 है और आज जो हम एमसीक्यूज़ है उनको सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, फेल इन दी मिसिंग लेटर्स टू कम्प्लीट दी वर्ड्स। मिसिंग लेटर जो है इनको भर दो ताकि जो लफ्ज़ है वो मुकम्मल हो जाए। सर्टिफाइड, यंगेस्ट, प्राउड, रिमार्केबल, रिफ्यूजीज, ठीक है, ये सारे हो गए। अब हमारे साथ है फेल इन दी मिसिंग लेटर्स, यहाँ पे जो मिसिंग लेटर्स है उनको मुकम्मल कर दो। टू कंप्लीट द वर्ड्स यानी इनकी जमा आपने बनाना है। दी कैट, जो कैट है इनकी जमा कैट्स। आर हाइडिंग इन दी बोशेस, ठीक है। दी स्टूडेंट्स इज सिटिंग की जगह आर सिटिंग। ऑन दी बेंच, बेंच की जमा हमारे साथ है बेंचेस। देयर वॉज अ चाइल्ड, चाइल्ड की जगह देयर वर चिल्ड्रन स्टैंडिंग आउटसाइड दी गेट्स, ठीक है, जमा आपने लिखना है। ही हैज पेन इन हिज टूथ की जमा हमारे साथ है टीथ। दी फॉक्स, फॉक्स की जमा हमारे साथ है फॉक्सेस। आर रनिंग आफ्टर दी माउस, माउस की हमारे साथ जमा है माइस, ठीक है। तो ये जस्ट आपने इसकी वाहिद जमा लिखनी है, यानी कैट की जमा कैट्स है, बुश की जमा बुशेज है, स्टूडेंट की जमा स्टूडेंट्स है, बेंच की जमा बेंचेज है, चाइल्ड की जमा चिल्ड्रन है, गेट की जमा गेट्स है, टूथ की जमा टीथ है, फॉक्स की जमा फॉक्सेज है, इस तरह माउस की जमा माइस है, ठीक है। आगे हमारे साथ है फेल इन दी ब्लैंक्स, जो खाली जगह है इनको भर दो विद दी करेक्ट आर्टिकल्स, जो हमारे साथ आर्टिकल्स है ए एन डी, इनमें से जो दुरुस्त होगा। सारा वांटेड टू बाय, यानी सारा चाहती, यानी सारा ने चाहा तो टू बाय के वो ख़रीदे अ न्यू, ठीक है, स्टोरी बुक, यानी एक नया स्टोरी बुक कहानियों की किताब। सोशी वेंट टू दी बुक स्टोर, टू दी बुक स्टोर, यह पे ए न्यू, ठीक है। अच्छा, शी सा मैनी स्टोरी बुक्स, उसने देखे बहुत ज़्यादा कहानियों की किताबें। एंड देन फाउंड, और फिर उसके बाद पा लिया दी वन, यह पे प्रॉपर है तो यह पे दी हमने लगाना है। दी वन शी वाज लुकिंग फॉर, के वो वाला जिसकी वजह जिसके लिए वो देख रही थी या जिसकी वो तलाश में थी। शी रीड अ फ्यू पेजेस, उसने पढ़ी उनमें से कुछ सफ़ात को। ऑफ दी स्टोरी बुक, यानी जो स्टोरी बुक है उसमें से। देन शी टोक ए बुक, यानी उसने जो है उसके बाद दी बुक किताब को उठा लिया, ठीक है, टू दी शॉपकीपर, शॉपकीपर की तरफ। एंड आस्क्ड हिम, और उस दुकानदार से पूछा। टू एड अ रूलर, यानी एक जो रूलर है एड कर दे। एंड अम्ब्रेला, जो अम्ब्रेला है, टू हर काट्स, उसका उसकी जो काट है उसमें, मतलब उसके साथ साथ ये भी उनको दे दे, ठीक है। आगे हमारे साथ है राइट द डिग्रीज ऑफ द गिवन एडजेक्टिव। सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, ठीक है। रीड द गिवन टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स। आई वेंट टू द सी साइड विद माई फ्रेंड्स एंड मेड अ सैंड कैसल, यानी यहाँ पे आप ये ऑलरेडी अंडरलाइन हो चुके हैं। वी वॉक्ड ऑन दी सॉफ्ट सैंड एंड कलेक्टेड सी शेल्स। आई ऑल्सो टुक पिक्चर्स ऑन दी बेंच विद माई फ्रेंड्स। देन वी ईट एट डिलीशियस बर्गर। इसके बाद आगे हमारे साथ है जो अहम एम सी क्यूज़ है उनको अब हमने सीखना है। आई प्ले, मैं खेलता हूँ टेनिस, टेनिस को एवरी संडे मॉर्निंग, ठीक है। डू नाट मेक सो मच नॉइस, आलिया इज ट्राइंग टू स्टडी फॉर हर एन टी एस टेस्ट, यानी ज़्यादा शोर मत मचाओ। अलीना जो है इज़ ट्राइंग, वो कोशिश कर रही है टू स्टडी फॉर हर एन टी एस टेस्ट, उनका जो एन टी एस टेस्ट है या जो भी उनका टेस्ट है उनकी तैयारी कर रही है। असद, असद जो है क्लीन्स, साफ करता है हिज टीथ, अपने दांतों को बिफोर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, यानी नाश्ते से कबल रोज़ाना। सूरी, शी कैन नॉट कम टू दी फोन, वो फोन को नहीं आ सकती है। शी इज हैविंग अ बाथ, यानी वो नहा रही है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स इन यूअर क्लास, आपके क्लास में। कम फ्रॉम पेशावर, पेशावर से आते हैं,
यानी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। बेबीज क्राई, जो बेबीज बच्चे वो चिल्ला वो रोते हैं, व्हेन दे आर हंग्री, जब वो भूखे होते, यानी बच्चे जब भूखे होते तभी वो रोते हैं। आई थिंक आई नीड अ न्यू कैलकुलेटर, दिस वन डज नॉट वर्क प्रॉपरली एनी मोर, यानी मैं सोचता हूँ कि मुझे ज़रूरत है एक नए कैलकुलेटर की, क्योंकि ये वाला प्रॉपरली तरीके से मज़ीद काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक था इसके अहम एमसीक्यूज़ आज मुकम्मल हो गए। जो बाकी एमसीक्यूज़ हैं वो हम अगली वीडियो में सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने जो अहम एमसीक्यूज़ है वो भी सीख लिए और साथ में जो अहम पॉइंट्स हैं उनको भी सीखने की कोशिश की। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।